रमन का रुख कर लेते हैं। रमन, जो शशि थरूर ने जो बयान दिया है काफी अहम बात कही है, इसके मायने आपसे समझना चाहेंगे कि कांग्रेस को वो क्या सलाह देने की कोशिश कर रहे हैं। विपनेश, अभी आपने नीतीश कुमार की बातें सुनाई, अपने अखिलेश यादव की बातें सुनाई, और जो बातें नीतीश कुमार और अखिलेश यादव कह रहे थे वही बात कमोवेश शशि थरूर का भी कहना है। शशि थरूर का भी कहना है कि छोटे दलों को अगर साथ लेकर चलें, छोटे दलों को अगर आगे करें, तो 2024 के चुनाव में नतीजा कुछ और हो सकता है, बीजेपी को हराने में कामयाबी हासिल हो सकती है। इससे पहले आपने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद से वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं जो बीजेपी के खिलाफ हैं उन सबको एकजुट होना चाहिए, प्रधानमंत्री का फैसला हम चुनाव के बाद करेंगे, लेकिन सभी राजनीतिक दल अगर इकट्ठा होते हैं तो चुनाव में हम जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर चुनाव में जीत हासिल करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर हम इकट्ठे नहीं होते हैं तो फिर हमें नतीजा कुछ और देखना पड़ सकता है, क्योंकि 37% वोट सिर्फ 2019 में बीजेपी के पास थी और 60% सीट हासिल कर पाई थी बीजेपी, यानी कि बाकी 63% जो वोट है वो कांग्रेस सहित दूसरे राजनीतिक दलों को मिला था 2019 में। अगर इस नतीजे को ध्यान में रखें तो भी जीत हासिल हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि तमाम राजनीतिक दलों को एकजुट होना पड़ेगा, जो बीजेपी के खिलाफ है, जो नीतीश कुमार ने बातें कही, जो अखिलेश यादव ने बातें कही, ममता बनर्जी लगातार कहती रही है कि जहां पर क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां क्षेत्रीय दल को आगे करना चाहिए, जहां कांग्रेस मजबूत है वहां कांग्रेस को आगे करना चाहिए, क्योंकि 200 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी सीधे मुकाबले में है, कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है, वहां पर कोई क्षेत्रीय दल नहीं है, तो बाकी जो बची हुई सीट है वहाँ पे क्षेत्रीय दल मजबूती से चुनाव लड़े और कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें क्षेत्रीय दलों को देना पड़ेगा, तभी ये संभव हो पाएगा। विपनेश जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रमन कुमार। मैं नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।